हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम एक और इलेक्ट्रिकल सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आइए, ये 2016 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए, और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप ये लाल बटन आप वहाँ पर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे जो वीडियो है आपको जल्दी से मिल सके। तो आइए हम शुरू करेंगे। अभी 2016 का जो क्वेश्चन था, ये दिया हुआ है कि 12 वोल्ट बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसको कनेक्ट किया गया है 4 ओम और 6 ओम सीरीज़ में, है ना, दो रेजिस्टर है सीरीज़ में। ये 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, तो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। अभी आपको ये चार क्वेश्चन हैं, चार पार्ट्स दिए हैं, तो ये चार पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पर सर्किट में, वो आपको निकालना है। फिर सेकेंड है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, ठीक है। और ये जो 12 वोल्ट है, ये ईएमएफ दिया हुआ है, तो आपको टर्मिनल वोल्टेज आपको निकालना है। और उसके बाद नंबर 3 में है पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर, तो ये 6 ओम में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको निकालना है। और चौथा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड पर मिनट इन 4 ओम रेजिस्टर, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इन 1 मिनट इन दिस रेजिस्टर। सो ये चार क्वेश्चंस आए थे, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आपका हाफयरली भी आने वाला है, और आप अच्छा रिविज़न आपका हो जाएगा, और साथ ही बोर्ड के लिए भी। तो चलिए, करंट इन द सर्किट आपको निकालना जब होता है, तो जो भी जो सेल से जो करंट निकलता है, वो पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जो सेल करंट भेजता है। तो ये पहला पॉइंट है आपको समझने के लिए। इसलिए जब भी करंट इन द सर्किट आपको निकालना है, तो आपको पहले क्या करना है, पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है क्या है। तो सब हम देखते हैं कि जो दो रेजिस्टर ये कनेक्ट किए गए हैं, 4 ओम और 6, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टर में ये क्या है, सीरीज़ में है। अभी सीरीज़ का आपको फार्मूला मालूम है, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये सीरीज़ का फार्मूला है। तो 4 प्लस 6 तो 10 ओम हो गया, है ना। तो क्या इतने रेजिस्टेंस है, नहीं, क्योंकि यह पहले से बताया यहाँ पर करंट जो सेल का है वो 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसके वजह से वो टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। और ये याद कीजिए कि एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को निकालने के बाद आप इंटरनल रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कनेक्ट करना है, बिकॉज दिस इज़ ऑलवेज इन सीरीज़ विद द एक्सटर्नल। तो ये आप पॉइंट याद कीजिए। तो इसलिए 10 हो गया एक्सटर्नल और प्लस 2, यानी फिर वही फार्मूला लगेगा, दिस प्लस दिस, क्योंकि सीरीज़ में है, तो 10 प्लस 2 12 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 12 ओम। अब इसी रेजिस्टेंस के आधार पे सेल वो करंट भेजेगा। तो फार्मूला आपको मालूम है, करंट इज इक्वल टू वी बाई आर, है ना। तो ये ईएमएफ, क्योंकि हमें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं, तो ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो ईएमएफ कितना है, 12, और रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस वो भी 12 आ गया, तो 1 एम्पेयर करंट यहाँ से निकलेगा। तो चलिए, तो करंट हमारे पास आ गया 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर करंट आपको यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो पहला आपको समझ में आ गया। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि करंट डिपेंड्स ऑन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। एंड इंटरनल इज ऑलवेज इन सीरीज विद द एक्सटर्नल। तो पहले एक्सटर्नल का पूरा निकाल लीजिए, फिर उसके बाद इंटरनल को ऐड कीजिए सीरीज में। तो ये हो गया पहला पॉइंट। अभी दूसरा पॉइंट है कि टर्मिनल वोल्टेज। अभी टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ओम रेजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इन द सेल। इसलिए हमको जो है बाहर में ये एक्सटर्नल सर्किट में हमको पूरा 12 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा बाहर में, तो एक्सटर्नल सर्किट हमज पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फॉर द एक्सटर्नल सर्किट, तो वो है टर्मिनल वोल्टेज, है ना। तो हालांकि हम 12 वोल्ट बैटरी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमको पूरा 12 वोल्ट हमको नहीं मिलेगा। तो बाहर में कितना मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। चलिए, तो फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाहर का रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर है, और I आपके पास आ चुका है, या सेम करंट फ्लो करेगा यहाँ से, तो 1 × 10 आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर सकते हैं। तो 10 वोल्ट आ गया। तो इसको और एक तरीके से भी आप
निकाल सकते हैं। तो ई एम एफ माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल दैट इज आई इंटू स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर है, ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर लिखते हैं। तो टोटल जो ई एम एफ है उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ ड्यू टू दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको माइनस करने से ये आ जाएगा। तो 12 माइनस 1 इंटू 2 इज अ 10 वोल्ट, ठीक है। तो अभी 10 वोल्ट आप इसे भी निकाल सकते हैं और इसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आंसर भी आपके पास आ गया। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी कि आप 12 वोल्ट बैटरी यूज़ कर रहे हैं, सेल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको मिल रहा है 10 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि देर इज़ अ पोटेंशियल ड्रॉप इन द सेल दैट इज़ 12 माइनस 10 2 वोल्ट यहाँ पर ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो भी एक पार्ट हो सकता है, हाउ मच इज़ द वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल, तो वो भी आप दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग, पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम। तो अभी 6 ओम में जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ आप जल्दी से आपके मन में आ जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है। तो क्या यूज कर सकते हैं इसको, तो चलिए आई क्या है इसमें, आई बिल्कुल 1 एम्पेयर है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में क्या होता है सेम करंट फ्लो करता है, तो यहाँ भी 1 एम्पेयर, यहाँ भी 1 एम्पेयर। तो 6 ओम में हम लोग को 1 एम्पेयर करंट अवेलेबल है और रेजिस्टेंस खुद 6 है, तो आई इंटू आर हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए आप आई इंटू आर को फॉर्मूला यूज़ कीजिए, बिकॉज करेंट रिमेन्स द सेम, सो 1 इंटू 6। तो 6 ओम के बारे में बताया, तो आपको उस 6 ओम से कितना करंट पास कर रहा है उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सीरीज में है तो 1 एम्पेयर ही पास करेगा जो सेल से निकलता है, तो 6 वोल्ट आ गया। तो 6 वोल्ट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप हेयर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम और रेजिस्टर बी, तो ये तीसरा आंसर आ गया। अभी चौथा आंसर हम देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड पर मिनट इन 4 ओम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते ही आपको कौन सा फार्मूला याद आता है, बहुत सारे। तो सीरीज़ में जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था पावर इन द सीरीज सर्किट, आपने ज़रूर देखा होगा। तो उसमें मैंने बताया था कि जो सीरीज कनेक्शन में आई स्क्वायर आर टी यूज़ कीजिए, क्योंकि आई इज़ कॉन्स्टेंट, जैसे अभी मैंने बताया। तो अभी 4 ओम में करंट कितना जा रहा है, तो अभी हमने बताया कि 1 एम्पेयर फ्लो कर रहा है ना, तो आई मिल गया हमारे पास। रेजिस्टेंस खुद 4 ओम है, पूरा नहीं लेना आपको, 10 नहीं लेना है, 12 नहीं लेना है, तो आपको क्या बताया 4 ओम, तो 4 ओम का ही खाली लेना है 4। एंड टाइम कितना है पर मिनट, तो यहाँ पर 1 मिनट का बात कर रहा है, तो 1 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए। तो इसलिए 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 60, तो 240। तो हमने यहाँ पूरा SI यूनिट यूज़ किया, तो एनर्जी जूल में आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये सब कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।